माउंट आबू में भी वन्य पर्यटकों वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद अब ले सकेंगे, क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य में आज से जंगल सफारी का आगाज हो गया है। वन मंत्री हिमाराम चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद देवजी पटेल, पूर्व विधायक रतन दिवासी, कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल वीसी के जरिए जुड़े। इस मौके पर जन प्रतिनिधियों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मंशा थी कहीं न कहीं आज कारगर साबित होती हुई नजर आई। आज वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने वीसी के माध्यम से माउंट आबू को एक सौगात दी है कि माउंट आबू के अंदर आज से जो है वन्य जीवों को नज़दीक से निहारने का मौका मिलेगा। ये तो तमाम जो जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं आज ये उस पल के जो है गवाह बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आज का जो दिन है इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ता हुआ जाएगा। भाटी जी, कैसे देखते हैं इस जीप सफारी को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की के कार्यक्रमों द्वारा जो आज सफारी जीप का जो शुभारंभ हुआ है और इसके लिए इको टूरिज्म का जो बढ़ावा मिलेगा और आम जो आबू की जनता को जो इसके रोजगार मिलेगा, इसके लिए मैं मंत्री जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो धन्यवाद देता हूं। और ये जो प्रयास जो हमारे माननीय नेताजी रतन दिवासी जी के अथक प्रयासों से ये कार्य हुआ है, क्योंकि ये पिछले 2 साल से इसी के सिलसिले में चल रहे थे, जिसमें यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने भी बहुत सहयोग किया। डीओपो साहब है, उपखंड अधिकारी जी, कलेक्टर साहब है, इन्होंने सबके सहयोग से इस आज इस सफलता को हम हासिल कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में और भी ऐसी कई योजना जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी उसको और लागू करने का काम। मेरे साथ पालिका अध्यक्ष जीतू राणा है। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? आज आप कार्यक्रम में मौजूद थे, कैसा लग रहा? ये मतलब काफ़ी समय से रुका हुआ था, अटका हुआ था। ये हमारे पूर्व रत्नदेवासी जी की सफलता है, ये हम मानते हैं, पूरा माउंट आबू मानता है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये माउंट आबू के लिए नया पर्यटक स्थल बना है। देखिए, यहाँ पर ये तमाम जनप्रतिनिधि है, उनका कहीं ना कहीं मानना है कि माउंट आबू के अंदर जो ये जीप सफारी का जो आगाज हुआ है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। मेरे साथ डीएफओ साहब हैं। साहब, आज विधिवत आगाज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से, ताकि जो आने वाला जो टूरिस्ट है वो सेफ महसूस करके और जंगल भी बचा सके? देखिए, माउंट आबू में ये सफारी की डिमांड बहुत पुरानी है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें लिमिटेशंस थी, अब उन लिमिटेशंस को दूर करके जीप सफारी शुरू करी गई है। और ख़ास तौर पर यहाँ के जो निवासियों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो बहुत ही हमें बहुत ही उत्साह देता है इस बात का कि शायद हम वन विभाग इन शहरवासियों के लिए, पर्यटन के लिए कुछ कर पा रहा है। और आगे भविष्य में भी हमारे प्रयास रहेंगे कि सफारी का दायरा और बढ़ाया जाए, इस संबंध में हम पूरा प्रयास करेंगे। मेरे साथ ECGM साहब भी मौजूद है जो कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए। सर, कैसे महसूस कर रहे हैं आज, चूंकि आप एक अधिकारी के पद पर हैं, उसके अलावा जो पर्यटन के लिहाज उसको कैसे देख रहे हैं? राजस्थान में काफ़ी पर्यटन स्थलों पर जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिप्सी सफारी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से किया जा रहा है। और माउंट आबू में ये काफ़ी समय से रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को यहाँ के डिपार्टमेंट ने अपने पूरे कोशिशों से राज्य सरकार की मदद लेकर इस माउंट आबू में जो नई शुरुआत की है, जो निश्चित तौर से पर्यटकों के लिए एक बहुत ही आनंददायक, उत्साहदायक होगा ये जिप्सी सफारी का। और आने वाले समय में धीरे धीरे इसका ट्रैक और बढ़ेगा, तो माउंट आबू के लिए भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि पर्यटकों को एक नई एडवेंचर एक्टिविटी के लिए मौका मिलेगा। और माउंट आबू का भी डे बाई डे पर्यटकों का जो फॉरेस्ट के प्रति जो अट्रैक्शन है वो डेफिनेटली इससे बढ़ेगा। देखिए, ये तमाम जो अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है उन सभी का यही कहना है कि माउंट आबू में जो जंगल जीप सफारी जिसका आज विधिवत आगाज हुआ है, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। सहयोगी जितेन के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू, सिरोही।